हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी बज गए शाम के 5। हम लोग घूम कर आ चुके हैं और अभी पी रहे हैं शाम की चाय। और मौसम इतना हसीन हो रहा है, मतलब कि हल्की हल्की जो ठंड है ना वो स्टार्ट हो गई है दोबारा। रूम के कोने कोने पे ना हमारी चीजें चार्ज हो रही है। यहाँ पे ड्रोन चार्ज हो रहा है, यहाँ पे 360 चार्ज हो रहा है। हमारा ना एक पोपट हो गया, चीकू के पापा यहाँ से वीडियोस ले रहे थे और लैपटॉप बीच में बंद हो गया, तो यहाँ ही खड़े हुए। चार्ज नहीं हो रहे, तो चार्ज होगा, थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि बंद हो गया था ना लैपटॉप। तो गाइस, चीकू के पापा को ना बहुत सारा काम है, मतलब कि उनको एडिटिंग करनी है, गोप्रो की एडिटिंग है, ड्रोन की एडिटिंग है, व्लॉग की एडिटिंग है। तो मैं और आरती जी जा रहे हैं घूमने। कहाँ पर? आज के शेड्यूल में अपने हैं आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी। यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन का बताया है कि आपकी जो खुद की कैब है या खुद का ड्राइवर है उसको लेकर आप नहीं जा सकते, आपको लोकल गाड़ी ही हायर करनी पड़ेगी। तो लेट्स गो इन द मार्केट एंड चेक क्या चार्जेस रहते हैं, एक कैब वहाँ से करेंगे और फिर अपना आज का शेड्यूल पूरा करेंगे। मतलब कि मैं इतनी पुअर हूँ नाम के अंदर ना। अभी हम बहुत सारी जगह घूमने के लिए गए थे तो इनमें से मुझे सिर्फ एक ही जगह याद है, वाटरफॉल और मिनी स्विट्जरलैंड। और दो तीन जगह और थी, मैं सबके नाम भूल गई हूँ। बट व्लॉग में ज़रूर देखना, फुल मज़ा आएगा कि हमारी जो घोड़े की राइड थी वो कितनी एडवेंचरर थी, मतलब कि फुल। तो मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल और अभी निकल रहे हैं हम घूमने के लिए। मैंने आज पहना है सूट क्योंकि काफ़ी सारे सूट लेकर आई थी। यहाँ पे आरती जी भी रेडी हो गए, हम दोनों ने लगाई आज बिंदी। चले आरती जी, तो थोड़े दिन पहले मैंने लिपस्टिक का कलर मंगवाया था, ये वाला बहुत ही अच्छा लग रहा है, शुगर ब्रांड का है। और सीरियसली बहुत ही सुंदर कलर है, मतलब कि एकदम स्मच फ्री है। आप जितनी मर्जी देर से लगाओ, 7 से 8 घंटे तक लगाओ, तब भी आपका जो लिप कलर है ना कहीं नहीं जाएगा। तो गाइज, अब हम विजिट करने के लिए जा रहे हैं आरू वैली, बेताब वैली, जहाँ माधुरी दीक्षित की बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी। और उसकी टाइमिंग है लगभग 6:30 तक, तो कोशिश करते हैं जल्दी से पहुंचते हैं। तो गाइस, चीकू के पापा का थोड़ा सा मूड ऑफ हो रहा है क्योंकि जो हमारे ड्रोन शॉट थे ना, हमने बहुत सारे लिए थे वहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर लिए थे। एक स्विट्जरलैंड, जो मिनी स्विट्जरलैंड है वहाँ पे भी लिए थे। तो वो ड्रोन शॉट है ना, चिप तो डाल रहे हैं बट वो शो नहीं हो रहे लैपटॉप में। तो अभी इनका बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, तो बस मैं यही कर रही हूँ प्रे कि बस शो हो जाए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत की थी उन शॉट्स के लिए। मैं ना घर से साड़ी भी लेकर आई थी, आरती जी भी साड़ी लेकर आए, तो कल हम ना साड़ी में शूट करेंगे, बहुत जबरदस्त। मतलब मैंने ना सोचा था ऐसी वीडियो बनाऊंगी, खुला आसमान होगा, ये मौसम मस्ताना, जो भी गाना है। तो अभी हम पहुंच गए टैक्सी स्टैंड पर, क्योंकि जिस जगह पे हम जा रहे हैं ना, जिस वैली पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे ये वाली टैक्सीज नहीं जाती, यहाँ की लोकल ही जाती है। तो यहाँ से टैक्सी लेकर फिर जाएंगे आगे का व्यू देखने। तो गाइज, अभी हम देखने वाले आरू वैली जो कि है ये, और देखेंगे बेताब वैली। बाकी जो दो वैली है वो अभी नहीं है, चंदन वैली जो है, चंदनवारी वैली जो है, वहाँ पे बहुत आइस होती है तो वो बंद है। तो गाइज, हमारी गाड़ी आगे, लेट्स गो। आती जी चलो। जो शाम का मौसम होता है ना, इतना हसीन हो जाता है कि अभी देखो धुंध हो रही है धीरे धीरे, तो शाम तक ठंड हो जाएगी, मज़ा आता है शाम में बहुत। तो गाइज, टैक्सी स्टैंड से जो आरू वैली है वो है 16 किलोमीटर और जो बेताब वैली है वो है ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर। पर पहले तो बेताब वैली पड़ती है, बट आई डोंट नो, हम जा रहे हैं पहले आरू वैली। गाइस, ये है यहाँ की लोकल मार्केट जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल्स हैं और कफ्तान्स हैं, गरम सूट हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। गाइस, जो लिडर रिवर है ना वो यहाँ पर भी है, मतलब हमारे जो कॉटेज उसके सामने भी थी और अभी भी मुझे दिख रही है। तो काफी लंबी रिवर है, बहुत लंबी है, मुझे किलोमीटर नहीं पता कितनी लंबी है। तो अभी इनको दोबारा से कॉल किया था और पूछा कि ड्रोन शॉट्स जो है मिले कि नहीं मिले, तो ड्रोन शॉट अभी तक नहीं मिले। काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम गए थे ऊपर घोड़े पे बैठ के इतनी ऊंचाई पर और ड्रोन शॉट्स लिए थे। बस मैं भगवान से यही प्रे कर रही हूँ मिल जाए हमारे होटल पहुँचने से पहले ना, ज़्यादा ना मिले, कम से कम मतलब कि मेन मिल जाए। तो गाइज, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, फाइनली जो हमारे ड्रोन के शॉट्स है वो मिल गए। अरमान जी के फ़ोन में ही थे, अभी फ़ोन का मैसेज आया उनका कि ड्रोन के शॉट्स मेरे पास दिया, अब जाकर थोड़ी सी शांति मिली है। तो गाइस, ये है कश्मीर की खूबसूरत वैली जो कि है आरू वैली, और वो कुछ इस तरह है, मतलब कि आसपास पूरी पूरी झरने हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। तो मेरे पीछे है ये नदी और मुझे लग रहा है ये लीडर नदी है ना, ये लीडर, हाँ लीडर नदी है। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर मेरे पास ड्रोन होता ना या 360 कैमरा होता तो पूरा का पूरा जो व्यू है मैं कैप्चर करती। तो गाइस, हमारी जो आरू वैली की साइट सीइंग है वो हो चुकी है एकदम डन। अब हमारी जो गाड़ी है वो बढ़ गई है बेताब वैली की तरफ।
तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ बेताब वैली और यहाँ पे जाने के लिए टिकट है और अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने भी काफी नाम सुना कि बहुत ही खूबसूरत वैली है। तो गाइस मैं आ गई हूँ बेताब वैली के अंदर और यहाँ की जो टिकट थी 100 रुपीज़ थी, मतलब 100 फॉर मी 100 फॉर आरती। तो अभी मैं बैठ गई बग्गी के अंदर, मतलब बग्गी के ऊपर बैठ गई हूँ और सीधा यहाँ से जाएंगे। और जो रास्ता है वो 3 किलोमीटर आना 3 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी चलने की। और बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है बग्गी पे बैठकर, पहली बार बैठी हूँ बग्गी पर कश्मीर के अंदर, फुल एंजॉय कर रहे हैं। अगर चीकू के पापा पायल चीकू होते और भी एंजॉय करते, बहुत मज़ा आता। तो मैं बैठ गई हूँ अपनी बग्गी में दोबारा से और भैया जो है ना बग्गी फुल स्पीड में चला रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब कि ना थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि आगे कुछ पकड़ने को नहीं है। तो भाई आरती जी आपको फुल मजा आ रहा है ना, आपके तो पैर पे चोट लगी थी, अब आप एंजॉय कर रहे हो है। तो गाइस यहाँ पर ना बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, तो तब से ना इस जगह का नाम पड़ गया बेताब वैली। और उस मूवी में कौन कौन था, सनी देओल और आरती जी? हाँ, तो गाइस उस मूवी में सनी देओल और अमृता सिंह थी। तो भाई निकल गए हैं हम लोग बेताब वैली से और सीरियसली इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है। सुबह 9 बजे की उठी हुई थी, ब्रेकफास्ट करा था, फिर उसके बाद मैगी खाई थी और अभी थोड़ी देर पहले चिली टोस्ट खाए थे, तो प्रॉपर खाना नहीं खा पाई। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मार्केट जाके थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लूँगी, चिप्स लूँगी और एक दो चीज़ें और है, मैं सोच रही एप्पल ले लूँ ताकि हम होटल में तो कुछ ना कुछ खाने को मिले। तो अभी मैं और आरती जी आ गए कश्मीर की मार्केट के अंदर और हम लोगों ने लिए हैं बहुत सारे बिस्किट लिए हैं, साथ में मैंने रेडबुल ली है, स्टिंग ली है, चॉकलेट ली है, ओरियो बिस्किट ली है, बहुत कुछ लिया है ताकि हमें रात को अगर होटल में भूख लगे तो हम थोड़ा अटरम शटरम खा सके। तो गाइस कश्मीर में ना अखरोट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम लोगों ने ले लिया अखरोट, लिया पिस्ता, लिया और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो कि है मिक्स, जिसमें है ब्लूबेरी, पिस्ता, किशमिश, सब कुछ है। तो भाई हम लोग जा रहे हैं वापस होटल और होटल जाते हुए रास्ते में दिख गए मुझे स्वीट कॉर्न और इतना मन कर रहा ना खाने का स्वीट कॉर्न। वैसे दिखते तो अच्छा नहीं लगते पर जब हम बाहर आए हैं भूख लग रही है ना, बहुत मन कर रहा था स्वीट कॉर्न खाने का, तो 3 स्वीट कॉर्न मैंने पैक करवा ली है। तो यहाँ पे आ गए मेरे गरम गरम स्वीट कॉर्न, बहुत ही टेस्टी, मैंने इतने सारे खा लिए तब मुझे याद आया कि व्लॉग भी लेना है। तो यहाँ पे अरमान जी के लिए भी स्वीट कॉर्न पैक करवा दिए मैंने, उनके लिए थोड़े से नॉर्मल करवाए हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इतनी थकावट हो रही है ना। और फाइनली होटल पहुँच गए हैं, ऊपर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, डिनर करेंगे और एकदम टाइम से सो जाएंगे क्योंकि कल मॉर्निंग का भी शेड्यूल हमारा बिजी रहेगा। तो गाइस देखो मैं तो था होटल में, मैंने किया व्लॉग एडिट और जो पाया गोलू बाहर घूम के आया, एक्सपीरियंस बता दो थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगेगा। थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए, मतलब कि ना सारी वैली देखा जाए तो सेम लगती है, बट एक होता है ना कि हम बाहर आए हैं तो देखिए कौन कौन सी जगह है, बाकी सब कुछ सेम ही लगता है। तो खाना आ गया, खाना खा के सोते हैं, सुबह निकलना हमें एक और जगह। तो यहाँ पर होगा कैंडल डिनर मैडम, फोन का ना फ्लैशलाइट डिनर। हाँ, एक फोन यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया और आरती जी आप यहाँ रख दो। बहुत टेस्टी खाना है, बहुत टेस्टी, रस्ते में कुछ नहीं खा कर आई, मैं सोचा होटल आके खाऊंगी। तो डिनर हो गया एकदम हमारा डन, हम सोच रहे काम करते हैं, थोड़ी देर नीचे वॉक कराते हैं। तो गाइज जब से यहाँ पर आए एक ढंग की चाय नहीं मिली है एंड वी रियली नीड अ गुड टी, तो अब फाइनली शेफ से बात किए, खुद ही जा रहे हैं, खुद ही बनाएंगे, खुद ही पियेंगे। गोलू इतनी ठंड थोड़ी है बाहर, अभी गई थी मैं, ठंड है, मतलब इतनी ठंड भी नहीं है बट थोड़ी ठंड तो है। तो गाइस फाइनली हम किचन में पहुंच गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनने वाली है, आरती जी लगी हुई हैं और आप साफ सफाई देख सकते हैं ज़बरदस्त वाली है। मैं पहली बार बना रही हूँ होटल में चाय, वैसे तो बहुत बार चाय बनाती हूँ बट आज मैं आरती जी को और आपको और शेफ को भी अपने हाथ की चाय पिलाऊंगी, ठीक है? आप बोलू की इच्छा थी कि मुझे शेफ बनना है और हमने इसको शेफ बना दिया है। तो ये एक 5-स्टार होटल में चाय बना रही है, क्या बात है। तूने चाय पत्ती नहीं डाली अब तक? नहीं, मैं अभी तो अदरक और इलायची डाली। मैं तो मैडम सब कुछ साथ में डाल देता था, चाय पत्ती, दूध, लेना देना सब। चीनी। यहाँ पे गैस का फ्लो इतनी तेज है ना, मैं तभी सोचती हूँ कि होटल में बोलो आलू परांठा खाना है, दाल चावल खाना है, पिज्जा खाना है, 5 मिनट में कैसे आ जाता है, बहुत तेज फ्लो है। देखो चाय बन गई। तो गाइस फाइनली भैया हमारी चाय बन गई है और चाय डाल रहे हैं और उसके बाद निकलते हैं अपने रूम की तरफ। तो गाइस कश्मीर आए और कहवा ना पिया ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैंने शेफ को बोला कि स्पेशली आप मेरे लिए, मतलब मेरे लिए नहीं, हमारे लिए कहवा बनाना, तो वो कह रहे कल मेरे सामने लाइव कहवा बनाएंगे। तो भैया मज़ेदार सी चाय निपटा देंगे, अभी बना दिया हमने, तो मैडम जी गैस बंद कर दूंगा।
फाइनली चाय बन गई है। चाय आज बहुत ही मेहनत से बनी है और चाय भी बोलेगी कहाँ फंस गई हूँ, इतने सारे लोग मेरे आसपास। यार आई विश की ना चाय अच्छी बनी हो, क्योंकि मैंने ना पहली बार इतनी सारी चाय नहीं तो पहली बार होटल में चाय बनाई है। आप सबको चाय पिलाती हूँ ना, आज मैं आपको पिला रही हूँ। देखो बिल्कुल जेन्युइन देना कि आपको आपके प्रोफेशन की कसम कैसी बनी। माशाल्लाह। तो गाइस वाक्य में चाय बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी और आपने तारीफ भी सुन ली है। ठीक है दादा, गुड नाइट। तो गाइस जो बाहर का वेदर है ना वो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया, मुझे तो ठंड नहीं लग रही, गोलू को लग रही है, आरती जी को लग रही है। सीरियसली गाइस इतना अमेजिंग व्यू लग रहा है ना, चाहे आप सुबह घूमो चाहे रात को घूमो, व्यू की कोई कमी नहीं है कश्मीर में। देखो गाइस क्या होता है ना, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो या दिल्ली, तो इग्नोर करो और इन्जॉय करो। तो आरती जी एक बात बोल रहे हो आप, क्या आपके पाँव पे पट्टी की थी और आप ठीक चल रहे हो? हाँ, आराम आया है, फर्क पड़ा है ना? बोलो हाँ फर्क पड़ा। तो गाइज पैकिंग कर लेते हैं, सुबह हमें निकलना है। तो आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।